इस वीडियो में हम आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताएंगे। तो ये जो विधि है, इसमें जो समीकरण का जो निकाय दिया होता है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलते हैं और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से जो आपके पास अननोन है x1 x2 xn उनका मान ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने पास माना कोई समीकरण का निकाय है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू b1। दूसरी समीकरण है आपके पास a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2। तीसरी इक्वेशन आपके पास a31 x1 a32 x2 प्लस एंड सो ऑन a3n xn इज इक्वल टू b3 एंड सो ऑन। nth इक्वेशन आपके पास है an1 x1 an2 x2 प्लस एंड सो ऑन ann xn इज इक्वल टू bn। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, हम समीकरण जो पहले वाले जो समीकरण है, समीकरण ये और ये दूसरे वाली समीकरण जो है ये वाली, इसमें इसका x1 का कोफिशियंट बराबर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाली इस समीकरण का जो है इसको a21 से गुणा करके a11 से इसको डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन में, यानी इस समीकरण को a21 अपॉन a11 से गुणा करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, फिर इस समीकरण में से घटा देंगे सेकंड वाली में, तो आपके पास x1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इस वाली इक्वेशन में से ये जो आपकी तीसरे नंबर की इक्वेशन है, इसमें x1 को एलिमिनेट करने के लिए इस वाली समीकरण को आप a31 अपॉन a11 से गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो आपके पास यहाँ से x1 एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह अपन चलते जाएंगे, इसमें से लास्ट वाले समीकरण में से अगर आपको x1 एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, तो इसको हम पहले वाले समीकरण में जो आपके पहले वाले समीकरण है ये, इस वाले समीकरण को अपन an1 अपॉन a1 से गुणा करके इसमें से लास्ट वाले समीकरण में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास x1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया करने के बाद हम मान लेते हैं कि आपके पास जो आया है वो इक्वेशन किस में आपके पास आ गई, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन a1 x1 इज इक्वल टू b1। a22 मान लेते हैं जो नया जो कोफिशियंट आया, a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2। इसी तरह a-32 xn प्लस एंड सो ऑन a3n xn इज इक्वल टू b3। एंड आखिरी वाले जो समीकरण आपके पास an2-x2 प्लस एंड सो ऑन ann xn इज इक्वल टू bn- ये आ गया। अब थर्ड इक्वेशन जो आप ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से अपने को ये जो x2 है एक्शन की बजाय ये x2 है, इस x2 को आपको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप ये वाली जो समीकरण है, इस वाली समीकरण में से ये जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है, इसको आप a32-a22- से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन जो है वो चेंज होकर आ जाएगी a33-x3 प्लस एंड सो ऑन a3n xn इज इक्वल टू b3। इसी तरह आगे वाली सभी समीकरणों में हम x2 को एलिमिनेट करेंगे और जो नई समीकरण आएगी उसको अपन लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में अपने को जो करना है
वो एक्स थ्री को इलिमिनेट करना है। तो एक्स थ्री को इलिमिनेट करने के लिए वैसे ही जैसे यहाँ आपके पास, यहाँ जो इक्वेशन आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी ए फोर थ्री डबल डैश एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन ए फोर एंड ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू बी फोर ट्रिपल डैश, उसमें और इसमें थर्ड में से थर्ड को आप गुणा करोगे ए फोर थ्री ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई ए थ्री थ्री डबल डैश से इसको सारे गुणा करेंगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस तरह से आपके जो समीकरण है वो आपको चलते जाना है रिड्यूस होते हुए इस फॉर्म में, लास्ट जो आपका है इस टाइप में आपकी इक्वेशन आ जाएंगी। ये आपको जब तक करना है जब तक लास्ट में केवल जैसे एक्स एन सी एन एन एक्स एन इज इक्वल टू डी एन, इस टाइप की इक्वेशन, तो इस सारे को आप अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से एक्स एन का आप मान ज्ञात करोगे तो एक्स एन आ जाएगा डी एन अपॉन सी एन एन, ये वैल्यू आप इससे ऊपर वाली इक्वेशन रखोगे तो वहाँ एक्स एन माइनस वन का मान आ जाएगा, एक्स एन और एक्स एन माइनस वन का मान उससे ऊपर वाली इस समीकरण रखोगे तो वहाँ से एक्स एन माइनस टू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरह से आप सारे मान जो हैं निकाल लोगे और ये आपके पास सबका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सवाल हम लेते हैं इसमें, ये तो आपके पास होगा ना, जैसे ये कोई क्वेश्चन है आपको इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। आपके पास तीन इक्वेशन दी हुई हैं, तो आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन को तो आपने कुछ करना नहीं है, इसमें से आपको ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें आपने एक्स को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए पहले वाली समीकरण को एक बटा दो से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो ये पहले वाला एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक बटा दो से उसको गुणा किया तो यहाँ एक बटा चार वाई आएगा और यहाँ एक बटा कितनी है तीन वाई है। एलसीएम लिया आपने एक बारह एलसीएम आ गया तो चार माइनस तीन, ठीक है, ये आपके पास एक बटा बारह वाई आ जाएगा। इसी तरह इसको इसको हल करोगे तो एक बटा बारह जेड बराबर माइनस एक बटा दो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर आप एक्स को एलिमिनेट करोगे तो पहले वाले समीकरण को एक बटा तीन से गुणा करके तीसरी वाली समीकरण इस समीकरण में से घटाओगे तो ये पहली वाली संख्या तो ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने एक से बटा तीन से गुणा किया तो कितना एक बटा छः और ये एक बटा चार, एक बटा चार माइनस एक बटा छः करेंगे तो एलसीएम आपने बारह ले लिया तो कितना जाएगा एक बटा बारह वाई और यहाँ प्लस एक बटा छियालीस जेड बराबर माइनस वन बाई थ्री आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर से इन दोनों समीकरणों में से आपको y को एलिमिनेट करना है तो इनमें तो y का मान कोफिशियंट दोनों में बराबर है तो आप घटा दोगे तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 46 का और एक बटा छियालीस का एक बटा बारह का एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये आपके पास आपने जो इसको करने के बाद ये आगे पास आएगा ये एक बटा पैंतालीस होना चाहिए, यहाँ ये छियालीस के बजाय यहाँ पैंतालीस होगा, एक बटा पैंतालीस पैंतालीस और बारह कैल्शियम 180 आ गया। तो इसमें से अगर आप घटाओगे तो चार से जाएगा चार माइनस ये कितना जाएगा बारह पंद्रह साठ, तो ये सब हल करके आपके पास माइनस एक बटा 180 जेड आ गया इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जेड का मान निकालो एक सौ अस्सी इधर गुणा हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, जेड का मान यहाँ रखोगे तो वाई बराबर माइनस 36 आ गया
वाई और जेड के मान इस समीकरण में रखोगे तो एक्स बराबर 9 आ गया। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। ठीक।